आप किसी छोटे बच्चे को समझदार बनाना चाहे नहीं बनेगा, समय जब तक नहीं आएगा। जितना समय आप देंगे अपने आप को, जितना संसार देखेंगे, जितना उतार चढ़ाव देखेंगे, उतनी समझदारी आएगी। तो समझदारी समय के साथ आती है। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि समझदारी समय के साथ आती है? समय के पहले, यदि हाँ, समय के पहले समझदारी आ जाएगी यदि आपने बचपन से स्ट्रगल किया है तो। यदि बचपन से आपने वो समय देखा है तो आप औरों की अपेक्षा समय के पहले मैच्योर हो जाएंगे। आज लड़के 25 साल 30 साल में जो मैच्योर होते हैं, आप 18 साल में मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन 18 साल के पहले 15 साल से आपके जीवन में जब भरपूर स्ट्रगल हो तब। इसलिए जीवन में स्ट्रगल होना चाहिए, जीवन में कष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटियां बड़ा ना बनाएंगी, आपके जीवन का संघर्ष आपको बड़ा बनाता है, चुनौतियां मुसीबतें आपको बड़ा बनाती हैं, हाँ या ना? इसलिए चुनौतियों से हारना नहीं है, भागना नहीं है, डट। आत्महत्या कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़े तंग आ गए जीवन से, मर जाते तो मर जाओ, क्या फायदा होगा तुम्हारा? फायदा बताओ मुझे, क्या लाभ है तुम्हारा आत्महत्या कर लेना? अरे चुनौतियों से डर के भागते क्यों हो? डटो, सामना करो। आत्महत्या करना अपराध, डटो, जी छाती फुला के खड़े रहो। कष्ट आएगा, किसे कष्ट नहीं आता? भगवान राम को 14 वर्ष में कौन सा सुख मिला? कितना कष्ट उठाया भगवान ने, केवल इसलिए ताकि दुनिया को यह मैसेज दे सके कि तुम्हारे जीवन में संकट आए तो आत्महत्या ना कर लेना। हमारी तरह जंगल में भी नंगे पांव चलकर हमने देखो कैसे जीवन जिया, तुम्हारे जीवन में भी साल दो साल का संकट आए तो घबराना मत, मेरी तरह डट के खड़े रहना, राम की शिक्षा हमारे लिए। तुम जरा जरा सा संकट आए तुम आत्महत्या करने की सोचते हो, मरने की सोचते हो, रोने लग जाते हो, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान। बताओ क्या सुदामा से ज्यादा दुखी आप में से कोई है? नहीं, सुदामा तो कभी ना रोए हे भगवान मैं बड़ा दुखी हूं। नहीं, दुख सुख तो है, कहां जाएगा दुख सुख? जैसे रात आएगी दिन आएगा, कोई माई का लाल रात दिन को रोक नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारे जीवन से कोई माई का लाल सुख और दुख को रोक नहीं सकता, आएगा। हाँ, मजबूत बनाओ अपने आप को हर स्थिति से गुजरने के, रेडी रखो, तैयारियां रखो। तुम तैयारियां नहीं करते इसलिए परेशान हो जाते हो। अपने बच्चों को ज्यादा जूझू ना बनाया करो, ज्यादा सुखी 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 नहीं। बच्चों के जीवन में जितना उन्हें कष्ट मिलेगा, सिंपल है, मेरी माँ सोने को जितना तपाओगे उतना चमकेगा, सोने को जितना तपाओगे उतना चमकेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को जितना तपाओगे, जितनी मेहनत कराओगे, जितना उन्हें स्ट्रगल करने दोगे, देखते रहो बच्चों के स्ट्रगल को। तुम्हारे पास करोड़ों की संपदा है फिर भी ना उन्हें कमाने दो 10 रुपए, जाओ बाजार में भेजो, जा 100 रुपए कमा के ला, पता चलेगा कि 100 रुपए की कीमत क्या है जब वो पसीना गिरा के कमाएगा। ऐसे तो बाप करोड़ों रुपए दे सकता है लेकिन उस करोड़ों की वैल्यू नहीं होगी उसे। जीवन में स्ट्रगल जरूरी है। मैं बचपन में भीख मांगता था, लोगों के घर मांगने जाया करता था। मुझे पता है कि एक मुट्ठी चावल की कीमत क्या होती है, मुझे पता है कि एक मुट्ठी आटे की कीमत क्या होती है, इसलिए मैं अन्न कभी बिगाड़ता नहीं हूं। मुझे पता है मैंने अपने जीवन में सबसे पहले पहली कमाई मैंने जब की तो मेरा अंग अंग दुखने लगा, इतनी मेहनत की मैंने, और मेहनत करने के बाद मुझे 3000 रुपए मिले थे सबसे पहले। मुझे पता है कि 1000 रुपए की कीमत क्या है, 100 रुपए की कीमत क्या है। मेरे मित्र के पास उस जमाने में
ये 2000, ये 1999 और 2000 की बातें हैं। उस जमाने में मेरे दोस्त के पास एफएम थी, सुंदर सी एफएम जो वो अपने घर पे चलाया करता था, और वो 100 रुपए की आती थी। मेरे पास 100 रुपए नहीं थे तो मैं खेत में जाया करता था चना बीनने के लिए। चना बीनना जानते हो, जब फसल कटती है ना तो चना झड़ता है, गेहूं झड़ती है ना, तो लोग उसे खेतों में जाके बीन लाते हैं, फिर उसे कूट कर उसको बेचते। तो मैं चने बीनने जाया करता था खेतों में, कि मेरी बच्चा था ना, शौक थी चीजों की, तो शौक तो थी पर पैसे थोड़ी थे। पिताजी से मांगा करते थे, पिताजी कहां 100 रुपए देंगे, गरीबी बहुत थी, भीख मांग के गुजारा होता था। तो मैं लाया करता चना ना, तो मैंने इतने मेहनत की, चने दोपहर दोपहर बीना, तब जाके 100 रुपए जुड़ाया। लगभग दो कुड़े, कुड़े जानते हैं, कुड़े, दो कुड़े चने किया मैंने, फिर उससे एफएम खरीदी। बचपन के बच्चे के शौक तो जानते हैं आप लोग, बच्चे थे ना, अक्कल थी नहीं कुछ, शौक थी पर इच्छाएं तो इच्छाएं होती हैं। तो मैंने जीवन में सारा स्ट्रगल देखा, गरीबी को पढ़ा नहीं है किताबों में, मैंने जीकर देखा है गरीबी को। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप जितने मेहनत करोगे, जितना विषम परिस्थितियां देखोगे, आप उतने मजबूत बनेंगे भविष्य के लिए, इतिहास रचेंगे आप यदि आपने जीवन में स्ट्रगल किया है तो। मैं आज भी मेहनत करता हूं, मेहनत नहीं करूं तो काम नहीं हो साहब। काम हमेशा करने से होता है, देखने से होता है, यदि आप नहीं देख पाएंगे तो काम नहीं होगा। आज भी सुबह से शाम तक मैं सारा काम जो यहाँ माताओं की सेवा से लेकर अन्य क्षेत्र की सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, बंदर सेवा, गौशाला, नंदीशाला, दो गौशाला है, एक ये नई गौशाला, एक पुरानी गौशाला, वहां नंदीशाला, वहां नंदी रहते, एक में गैया रहती है, एक में नंदी रहते हैं, सब चीज देखनी पड़ती है कि गाय, आप कितना भी आज के हमारे देश में आप कितना भी काम सौंप दो, तुम्हें ये करना है, जिसको सौंपा 10 दिन बाद भूल जाएगा कि करना क्या था, उसे चार्ज करना पड़ता, बताना पड़ता। सबके हमारे देश में समस्या तो यही है कि जिम्मेदार लोग नहीं होते, सबको काम बता के फिर बताना पड़ता 10 बार, कैसे नहीं ऐसे करना, इसलिए देखना पड़ता है। तो ये सारा काम जो गौरी गोपाल आश्रम में आप देख रहे हैं, वो केवल इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि उसे देखते हैं, हर छोटे छोटे काम को देखते हैं, और एक चीज वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके कार्य होता है। जिम्मेदारियां जो बिहारी जी ने दी है उसे निभाना पड़ता है। मैंने जीवन में हर समय को देखा है, ये बभौती मेरे बाप की नहीं है, मेहनत करके भगवत कृपा थी, पर भगवान चाह रहे थे कैसा हो, इसलिए ये दास ने केवल भगवत कृपा से जो किया वो भगवान ने दिया, और सेवाएं जो दिया, तो मैं अपने लिए, मेरा कोई बंगला नहीं है वृंदावन में, कहीं दुनिया में कहीं आप जाकर देख लो, कोई बंगला नहीं, कोई बहुत बड़ी गाड़ी का शौक नहीं है, सेवा का शौक है, तो सेवा चल रही है, केवल सेवा। आप सेवा देखते हैं यहां पर, सुबह से शाम तक सेवाएं होती हैं, बस जो जरूरत है फिर तो वो लेनी पड़ता है, गाड़ी चाहिए यात्रा के लिए तो सामान्य जो है वो लेनी पड़ेगा। बाकी आप भी अपने बच्चों को ना मेहनती बनाओ, और घबराओ, मैंने आप आश्चर्य मानेंगे, मैं सब कुछ कर लेता हूं। यहां जो भक्त लोग, आप लोग भोजन करते हैं, वहां जो थाली धुलने से लेकर, मैं थाली भी धुल लेता हूं, आप लोग भोजन कर लेते हैं उसकी थाली भी मैं धुल लूं, मेरे कोई शर्म लाज नहीं है। अच्छे काम करने में क्या शर्म, कोई चोरी करने में शर्म, बेईमानी करने में, गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए, अच्छे काम करने में शर्म। मैं स्वयं झाड़ू लगा लेता हूं, पोंछा लगा लेता हूं, मैं खुद 200 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का भोजन बना लेता हूं,
मैं खुद गाय दोह लेता हूं, मैं खुद गाय चरा लेता हूं, मैं खुद गाय की सेवा कर लेता हूं। जो काम है खुद करना पहले सीखो, जब आप कर पाएंगे तो करा पाएंगे, कर नहीं पाएंगे तो करा नहीं पाएंगे। जो काम आप कर पाएंगे वो आप करा पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। बाकी फिर सब आजकल बहुत काम होता है। तो कुल मिलाकर हम आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने जीवन में सुख कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे एक सुख मिला, और वो सुख ये मिला कि मेरा मन औरों की अपेक्षा भगवान के चरणों में लगा, और मैंने भगवान से कहा प्रभु बस मेरी वाणी केवल आपका गुणगान करती रहे, सदा मैं आपकी कथा सुनाता रहूं। मेरा सबसे बड़ा सुख है भगवान की कथा सुनाना आप लोगों को, जो मैं सुनाता हूं वो मेरा सुख है। मैं 3 घंटे सुखी रहता हूं आपको कथा सुनाकर, और जब मैं नहीं सुनाता कथा ना तो बीमार पड़ जाता हूं। इसलिए कथा सुनाना मेरी आदत नशा हो गया है कि भगवान की चर्चा होनी चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनाना, बहुत ज्यादा जीवन नहीं है, बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है, बस भगवान की सेवा में जीवन लगा रहे। और ये जीवन आपके लिए प्रेरणा है, आप सीखना चाहो तो सीख सकते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाइए, ज्यादा सुखी जीवन ना जिलाइए बच्चों को, ज्यादा सुखी ना जिए, बेटा मेहनत करो, 2 पैसे खुद कमाओ, अपने पिता से पैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक अपने पिता से पैसा नहीं लिया किसी चीज के लिए, ना पिता से पैसा लेकर ना मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल भी मैंने पिता से पैसे लेकर नहीं लिए, कोई भी चीज पिता के पैसे, केवल मैंने आखिरी बार पिता से पैसे मांगे थे, आखिरी बार पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे बस मेला घूमने के लिए, जब मैं 15 साल का था, 16 साल का, 15-16 के बीच में आखिरी बार मेरे पिताजी ने 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। मेरे गांव के बगल में मेला लगता था, आज भी लगता है शिवरात्रि के टाइम, मेला घूमने जाते थे, और मेला में भी मुझे घूमने उसका शौक था, बड़ा बड़ा जो झूला आता ना, झूला हिडोरा झूला, तो मैं 2 रुपए लेके जाता था और उसी में झूलता रहता था जितनी बार झुलाए हुए। तो आखिरी बार मुझे याद है 2 रुपए मांगे पिताजी से, उसके बाद आज तक मैंने पिताजी से नहीं मांगा। स्वावलंबी बनो साहब, बाप से भी पैसा नहीं लो, पढ़े लिखे हो दम है तो कमाओ, क्यों जी? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर वही शोभा मनस्तन की, स्वयं सींचो हर गड़ाली खुशी जीवन के मधुबन की। बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए, यदि पढ़े लिखे हो समझदार हो तो अपना रास्ता स्वयं तय करो, अपनी मंजिल खुद अपने बल से तय करो। इच्छाएं तुम्हारी है तो पूरी भी तुम्हें करना पड़ेगा, बाप क्यों करेगा? सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम्हें ही करना, करो। बाप के सिर पर कुछ बच्चे बोझ बन जाते हैं, बोझ नहीं बनना चाहिए, खुद कमाओ अपना नाम, और तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता की पहचान होनी चाहिए। साहब जीवन ने मुझे मेरे परिस्थितियों ने जो सिखा दिया ना मेरी माँ, मैं धन्यवाद देता हूं उन परिस्थितियों का कि उन्होंने मुझे इंसान बनाया है। जो परिस्थितियों ने मुझे सिखाया है, दुनिया की कोई पाठशाला मुझे नहीं सिखा सकती थी। आपकी परिस्थितियां जो आपको सिखा सकती हैं, धरती की कोई पाठशाला आपको नहीं सिखा सकती, क्यों जी? सही है? समय जो सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। सीखो, समय का उतार चढ़ाव देखो और सीखो। जीवन है, संघर्ष है,